Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय को आपके सामने लाई हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमने इस विषय में व्यक्तित्व के बारे में बात करी हमने अवधारणा की बात करी किस प्रकार एक मनुष्य की या मनुष्य अधिगम करता है अब हम आज जो इस व्याख्यान में बात करने वाले हैं वह है संगठनात्मक शक्ति और राजनीति यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल पार एंड पॉलिटिक्स जब हम बात करते हैं सत्ता या शक्ति या राजनीति की तो आप कोई से अभी किसी भी संगठन का उदाहरण देखिए हर जगह एक प्रबंधक के तौर पर आपको इसकी समझ विकसित करना बेहद जरूरी है तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सत्र के अंत तक आप लोग किस किस चीजों में सक्षम हो पाएंगे इस सत्र में हम बात करने वाले हैं संगठनात्मक शक्ति की अवधारणा की इसके अलावा हम संगठनों में शक्ति के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों को भी समझेंगे साथ ही हम संगठन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न शक्ति रणनीति यानी कि पार टैक्टिक्स को भी सीखेंगे इसके अलावा हम बात करेंगे संगठनात्मक राजनीति की अवधारणा और उसके कार्यक्षेत्र को समझेंगे और राज संगठनात्मक राजनीति के प्रकार भी सीखेंगे और यह भी देखेंगे कि कौन से ऐसे कारक हैं जो एक प्रबंधक को राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शित करने में योगदान देते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल पार यानी कि संगठनात्मक शक्ति या संगठनात्मक सत्ता होता क्या है जब हम पावर की बात करते हैं शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति अन्य लोगों को प्रभावित करने की एक क्षमता होती है अगर हम बोले तो पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल हम अगर किसी को अपने हिसाब से प्रभावित कर पाते हैं तो पार वह क्षमता है शक्ति बस चीजों को उस तरह से करने की क्षमता है जिस तरह से कोई उन्हें करना चाहता है ऐसा सालनिक और फेफर ने 1989 में अपनी परिभाषा में कहा था साथ ही साथ जब हम संगठनात्मक शक्ति की बात करते हैं तो यह है एक संगठन के भीतर एक व्यक्ति या समूह की क्षमता है जो कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार को प्रभावित करती है तो हम इसकी बात इंडिविजुअल लेवल पर यानी कि एक व्यक्तिगत स्तर पर और साथ ही साथ समूह स्तर पर भी बात करते हैं तो यह है वह क्षमता है जिससे आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं अपने हिसाब से तो आगे बढ़ते और समझते हैं कि संगठनात्मक शक्ति के आधार क्या हैं बेसिस क्या है जब हम बात करते हैं संगठनात्मक शक्ति के आधार की तो अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग प्रकार की आधारों की बात करी 1959 में सामाजिक मनोवैज्ञानिक जॉन आर पी फ्रेंच और ब्रेट्रम रेवन द्वारा दिए गए शक्ति के एक अध्ययन में शक्ति को पांच अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया साथ ही 1965 में रेवेन ने शक्ति के छठे अलग और विशिष्ट आधार की पहचान करी जिसको हम सूचना शक्ति यानी कि इंफॉर्मेशन पार के नाम से भी जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के आधार होते हैं शक्ति के यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल पार के तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जब हम बात करते हैं संगठनात्मक शक्ति की तो इसको ब्रॉडली दो भागों में विभाजित किया गया है सबसे पहला औपचारिक शक्ति यानी कि फॉर्मल पार और दूसरा व्यक्तिगत शक्ति यानी कि पर्सनल पार तो पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि औपचारिक शक्ति और व्यक्तिगत शक्ति में अंतर क्या है तो अगर हम बात करें औपचारिक शक्ति की तो औपचारिक शक्ति किसी भी इंसान को मिलती है उस संगठन में एक पदक्रम के साथ एक हायरकी के हिसाब से उसका क्या पद है किस डेजिग्नेशन पर है वो एक फॉर्मल तरीके से औपचारिक तरीके से नियमों के अंतर्गत रहते हुए वह शक्ति उसको मिलती है और पर्सनल पार यानी कि व्यक्तिगत शक्ति वह उसके खुद के स्किल्स एबिलिटीज कौशल एक्सपीरियंस बाकी चीजों से वह उसे अर्जित करता है और दूसरों पर लगाता है दूसरों को प्रभावित करता है उस शक्ति से तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज फॉर्मल पार की यानी कि औपचारिक शक्ति की औपचारिक शक्ति को आगे और भी निम्न भागों में बांटा गया तो सबसे पहले अगर इसमें मैं बात करूं तो वह है बलपूर्वक शक्ति यानी कि कोअर्सिव पार आपको शायद याद हो कभी बचपन में आपके किसी अध्यापक ने आपको कभी कहा हो कि आपको कोई होमवर्क ग्रह कार्य कर कर आना है या कोई भी कार्य करना है और जो बच्चा वह कार्य नहीं कर, कर आया तो उसको दंड मिलेगा तो आप सब लोग वह कार्य करते थे क्यों करते थे जिससे कि आपको उस दंड को या उस दंड के भोगी ना बने आप तो ये होता है कोअर्सिव पार कि हम सामने वाले को बलपूर्वक अपने हिसाब से जो हम करवाना चाहते हैं उससे उस चीज के लिए प्रभावित कर पाते हैं यानी कि बलपूर्वक या कोअर्सिव पार आप अध्यापक हैं तो आप उसके अंक कम कर सकते हैं बच्चे के या ज्यादा कर सकते हैं अगर वो कार्य नहीं कर, कर आया तो।, तो ये क्या है यह आपने कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में एक भय डाला क्यों और वो भय आप कैसे डाल पाए क्योंकि आपके हाथों में ऐसी शक्ति थी कि आप उससे कुछ फायदे छीन सकते थे ले सकते थे उसको डरा सकते थे कि अगर उसने यह काम नहीं किया तो उसको यह नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ेंगे तो यह था कोअर्सिव पार एक दूसरे तरीके की शक्ति जो कि हम औपचारिक शक्ति में ही बात करेंगे वह होती है पुरस्कार शक्ति यानी कि रिवॉर्ड पार आपने बचपन में यह भी कभी, कभी कभी देखा होगा कि आपके अध्यापक ने आपको कहा कि जो बच्चा सबसे अच्छा कार्य कर कर आएगा या जो बच्चा यह कार्य कर कर आएगा उसको यह इनाम मिलेगा और आप सब वो कार्य क्यों करते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वो इनाम पाना चाहते थे आपको पता था कि उस अध्यापक के हाथ में कुछ इनाम है जो वह आपको दे सकता है और सिर्फ इसी वजह से आप उसकी बात मानते थे तो यह होता है पुरस्कार शक्ति यानी कि रिवॉर्ड पार्क जिसमें एक व्यक्ति इसलिए शक्तिशाली बनता है क्योंकि उसके हाथों में कुछ इनाम देने की कुछ पुरस्कार देने की शक्ति होती है अपने अधीनस्थों को तो अगर हम संगठन में बात करें तो संगठन में आप अगर एक प्रबंधक हैं और आप चाहते हैं कि आपके अधीनस्थ आपकी बात माने तो कभी कभी आप पुरस्कार शक्ति यानी कि इनाम शक्ति यानी कि रिवॉर्ड पार भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपके अधीनस्थ आपकी बात इसलिए मानते हैं आपसे इसलिए प्रभावित होते हैं और जो आप कार्य कहते हैं वह इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो अधिकारी है वह सक्षम है कुछ इनाम देने में उनको कुछ पुरस्कार देने में अगर उन्होंने वह कार्य कर लिया तो तो यह होता है इनाम शक्ति या पुरस्कार शक्ति या रिवॉर्ड पार अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वैध शक्ति क्या होती है यानी कि लेजिटिमेट पार वैध शक्ति होती है कि आप अपने संगठन में किसी पद पर हैं किसी डेजिग्नेशन पर हैं, और सामने वाला या आपका अधीनस्थ आपकी बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए मान रहा है क्योंकि आप उसके अधिकारी हैं बस इसलिए क्योंकि आप उसके सीनियर हैं आप और में उससे बड़े हैं आपका कुछ स्टेटस है कुछ पोजीशन है कुछ डेजिग्नेशन है उस संगठन में तो आपका अधीनस्थ आपकी बात इसलिए मान रहा है क्योंकि आप किसी पोजीशन पर हैं, कभी कभी आपने अपने अध्यापक की बात सिर्फ इसलिए भी मानी होगी क्योंकि अध्यापक है अध्यापक ने कहा है कि यह कार्य करना है तो करना है आपको इससे मतलब नहीं कि वह कोई पुरस्कार दे सकते हैं या नहीं क्या वह कुछ आपके फायदे ले सकते हैं या नहीं बस आपने उनकी बात इसलिए मानी या आप उनसे इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि वह एक विद्यालय में एक पद पर है उस पद की कुछ मान्यता है और सिर्फ उस पद की वजह से वह इंसान शक्तिशाली बन रहा है तो यह तीन प्रकार थे फॉर्मल पार के अब आप सोच के देखिए तीनों में ही कही न कहीं ना कहीं यह जरूरी है कि आप संगठन के हिसाब से संगठन के द्वारा आपके हाथों में कुछ चीजें दी गई हैं चाहे तो वह इनाम देना हो चाहे वो कुछ फायदे आप ले लें या डरा सकते हैं धमका सकते हैं या आप अपने पद के बल पर सामने वाले को प्रभावित कर रहे हैं अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत शक्ति की यानी कि पर्सनल पार की यह शक्ति उत्पन्न होती है किसी भी व्यक्ति विशेष के खुद के स्किल्स कौशल एक्सपीरियंस के आधार पर इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी विशेषज्ञ शक्ति यानी कि एक्सपर्ट पार इसको मैं उदाहरण से समझाती हूं जब आपने दसवीं की कर, परीक्षा पास करी होगी तो ग्यारहवीं में सोचना होगा कि आपको साइंस लेना है या मैथ्स लेना है और स, या फिर कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है तो आपने तो आपके घर वालों ने आपसे नहीं पूछा होगा कि आपको क्या करना है लेकिन कुछ लोग जो या तो अच्छे व्यवसाय में होंगे या अच्छे पदों पर रह रहे होंगे या बारहवीं में जिनके अच्छे अंक आए होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे शायद उनसे वो पूछा जाएगा कि हम अपने बच्चे को दसवीं के बाद कौन सा कौन सी स्ट्रीम कौन से विषय दिलवाएं? अब आप ये सोच के देखिए कि आपके माता पिता एक ऐसे इंसान की बात मान रहे हैं जो किसी चीज़ में शायद एक्सपर्ट है तो कभी कभी इंसान शक्तिशाली बनता है अपनी स्पेशलाइज नॉलेज की वजह से अपनी एक्सपर्टीज नॉलेज की वजह से अब उस इंसान ने जो भी विषय कहा होगा आपके माता पिता आपको वही विषय दिलाएंगे क्यों क्यों आपके माता पिता प्रभावित हुए इनसे? उनकी स्पेशलाइज नॉलेज की वजह से उनकी कोई विशेषज्ञ शक्ति की वजह से उन्हें लगता है कि वो किसी चीज के विशेषज्ञ हैं या सोच के देखिए आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे आपको अपना स्पेशलाइजेशन चुनना है तो आप सलाह लेते हैं किसी अच्छे स्थापित डॉक्टर से जो किसी अच्छी अलग अलग डिग्रियों के साथ अपनी मान्यता प्राप्त कर चुका है क्यों क्यों आप उनकी बात मानते हैं क्योंकि आपको पता है कि वह किसी चीज में विशेषज्ञ हैं इसी के साथ एक और उदाहरण जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम आंख बंद कर, कर डॉक्टर की बात मान लेते हैं डॉक्टर हमें जैसा कहता है हम उसी हिसाब से प्रभावित हो जाते हैं क्यों क्योंकि हम मानते हैं कि जो एक डॉक्टर है वह एक चीज़ में विशेषज्ञ है वह उस चीज़ का विशेषज्ञ है वह जानता है कि किस प्रकार इस बीमारी को सही करा जाएगा तो हम क्या होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो वो डॉक्टर हमारे ऊपर अपनी शक्ति को लगा रहा है वो अपनी शक्ति का एक्सरसाइज हमारे ऊपर कर रहा है और हम प्रभावित होते हैं और सिर्फ प्रभावित क्यों होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह किसी चीज में विशेषता हासिल किए हुए हैं इसके बाद जिस पर मैं बात करने जाऊंगी जो दूसरा दूसरी श्रेणी है पर्सनल की वह है निर्देशन शक्ति यानी कि रेफरेंट पार रेफरेंट पार का मतलब होता है कि हम शक्तिवान बनते हैं क्योंकि हमारे रिश्ते कुछ ऐसे लोगों से हैं जिनका समाज में बड़ा नाम है या समाज में उनको बहुत पूजा जाता है तो यह होता है रेफरेंस पार कि मैं क्यों शक्तिशाली बनी क्योंकि शायद मेरे कोई रिश्तेदार उनका समाज में बड़ा नाम है तो मैं उनका नाम लेकर सामने वाले को प्रभावित करती हूं तो यह है रेफरेंस पार इसके साथ ही एक और अलग शक्ति जो पर्सनल पार में आती है वह होती है कैरेजमेटिक पार कैरे जब हम किसी सामने वाले की बात मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं कैरिज्मा क्या होता है कैरिज्मा का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना जब हम सामने वाले की बात सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि हम मंत्रमुग्ध हो चुके हैं उसकी बातों में तो यह होती है कैरिज्मिक पार अब उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं तो जैसे अमिताभ बच्चन जी हम उनको सुनते हैं और वो जो कह रहे हैं हम उसको मानते हैं क्योंकि उनके बोलने के तरीके में बात करने के तरीके में एक और है जिसके द्वारा हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हाँ ये बिल्कुल हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है मेरे लिए जो इंसान कैरिज्मेटिक पार रखता है शायद आपके लिए ना रखता हो आशा एक और वर्गीकरण की मैं बात करना चाहूँगी जो कि पर्सनल या फिर व्यक्तिगत शक्ति में ही आती है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल पार यानी कि सूचना की शक्ति कोई भी इंसान शक्तिशाली बनता है क्योंकि उसके हाथ में या उसके अंदर उसके पास कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो आपके मतलब की हो सकती है तो वह बनता है इंफॉर्मेशनल पार या वह व्यक्ति शक्तिवान बनता है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी सूचना है जो आपके लिए बेहद जरूरी है अब आप उसकी बात या उस इंसान से प्रभावित होंगे क्योंकि आपको वो सूचना की आवश्यकता है अब वो इंसान आपसे जो भी कहेगा आप उसकी बात मानेंगे क्यों क्योंकि आपको पता है कि जिस सूचना की जिस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है वह इंफॉर्मेशन उस इंसान के पास है तो यह भी क्या हुआ यह भी एक तरीके का व्यक्तिगत शक्ति ही हुई इंफॉर्मेशनल पार ही हुई इंफॉर्मेशनल पार होती है पर्सनल पार तो यह सब थे अलग अलग संगठनात्मक शक्ति के आधार तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम शक्ति रणनीति की यानी कि पार टैक्टिक्स की जब हम पार टैक्टिक्स की बात करते हैं तो शक्ति रणनीति वे तरीके हैं जिनमें व्यक्ति विशिष्ट कार्यों में शक्ति आधारों का अनुवाद करते हैं यानी कि इंडिविजुअल्स ट्रांसलेट पार बेसिस इनटू स्पेसिफिक एक्शंस जब आप अपनी शक्ति को यूज करते हैं इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको कहते हैं पार्क टैक्टिक्स यानी कि शक्ति की रणनीति यह नौ प्रकार की होती है अगर हम सबसे पहली रणनीति की बात करें तो उसको हम कहते हैं तर्क संगत अनुनय तर्क संगत अनुनय का मतलब रेशनल परसुएशन आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं क्योंकि आप एक रेशनल बात कह रहे हैं जो कि तथ्यों पर आधारित है आप जो तर्क दे रहे हैं उसे वो कार्य करने के लिए वह तथ्यों पर आधारित है उदाहरण के तौर पर आपके प्रबंधक चाहते हैं कि आपके संगठन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आना चाहिए और वो प्रबंधक चाहते हैं कि आप लोग उनकी बात माने उनसे इन्फ्लुएंस हो उनसे प्रभावित हों तो अब वो अपनी पावर यानी कि शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए तर्क संगत अनुनय का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि रेशनल परसुएशन कैसे यह मैं समझाती हूं ऐसे कि अब वह आपको फैक्ट्स के आधार पर तथ्यों के आधार पर बताएंगे कि आप के अंदर आपके संगठन में परिवर्तन आना क्यों जरूरी है और अगर परिवर्तन नहीं आया तो आपके संगठन के साथ क्या हो सकता है अगर वो तथ्यों के साथ ये बात आपके सामने रखेंगे वो कुछ भी हो सकता है कि एक साल में कंपनी बंद हो जाएगी या हमें लॉस होगा जो भी है तथ्यों के साथ प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर वो आपके सामने रखते हैं तो इसको हम कहते हैं तर्क संगत अनुनयन यानी कि रेशनल परसुएशन जिसमें वह आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं प्रभावित कर पा रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर इस आधार पर क्योंकि वह जो तथ्य बता रहे हैं वह है रेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो यह एक तरीका हुआ दूसरा अगर हम बात करें पार्ट टैक्टिक्स पे तो दूसरा होता है प्रेरक अपील यानी कि इंस्पिरेशनल अपील इंस्पिरेशनल अपील का मतलब है अगर मैं यही उदाहरण लू कि आपके प्रबंधक चाहते हैं कि आप वह परिवर्तन अपने संगठन में लेकर आए तो वह तथ्यों की कोई बात नहीं कर रहे लेकिन वो आपको प्रेरित कर रहे हैं मोटिवेटेड कर रहे हैं आपके अंदर ऊर्जा डाल रहे हैं आपको एक्साइट कर रहे हैं नई चीज के लिए आपको अंदर एंत्यूजियाजम डाल रहे हैं तो ये होता है इंस्पिरेशनल अपील जिसमें शायद वो तथ्यों की बात करके तथ्यों की बात ना करके वे शायद ये बोलें कि है संगठन आपका है अब यह आपको सोचना है कि इस संगठन को कैसे ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहिए आपके बिना इस संगठन का कुछ नहीं हो सकता आप ही हैं इस संगठन का आधार जैसे और लोग आगे बढ़ रहे हैं हमें आगे आने वाले गत वर्षों में अपने संगठन को भी आगे वैसे ही पहुंचाना है और जब हम पहुंचाएंगे तो मिलकर पहुंचाएंगे इसी तरीके से आप उनको प्रेरित कर रहे हैं उनकी अंदर की प्रेरणा इंस्पिरेशन को जगा रहे हैं तो यह होती है प्रेरक अपील यानी कि इंस्पिरेशनल अपील जहां पर आप सामने वाले के इमोशंस फीलिंग्स भावनाओं को हिट करते हैं शायद आप तथ्यों की बात इतनी ज्यादा ना करें लेकिन आप सामने वाले के अंदर एक ऐसी भावना को उत्पन्न करते हैं कि वह आपकी बात मानने लगे तीसरा पार टैक्टिक्स, यानी कि शक्ति रणनीति जिसकी मैं बात करूंगी वह है परामर्श यानी कि कंसल्टेशन अब इसी उदाहरण को आगे लेते हैं आप चाहते हैं कि आपके संगठन के लोग बदलाव लाएं परिवर्तन लाएं। अब उस परिवर्तन में आप कि वो परिवर्तन कैसे आना चाहिए परिवर्तन होना क्या है क्या क्या परिवर्तन लाने की जरूरत है किस प्रकार परिवर्तन लाने की जरूरत है आप अपने लोगों के साथ बैठकर उनसे परामर्श करें कंसल्ट करें हो सकता है आप शायद बात अभी भी अपनी ही मनवाएंगे लेकिन जब हम सामने वाले से परामर्श करते हैं उसकी सलाह लेते हैं तो उसे लगता है वह इन्फ्लुएंस होता है हमारी बातों से तो यह भी एक शक्ति रणनीति होती है कि सामने वाले को उस चीज का जो काम हम उससे करवाना चाहते हैं उसको उसका हिस्सा बना दीजिए उससे परामर्श लीजिए उसी कार्य को करवाने का कि किस प्रकार ये कार्य हो सकता है कैसे करना चाहिए तो कहीं ना कहीं कार्य आपका ही है जो आप करवाना चाहते हैं अपने मन की बात जो आप बनवाना चाहते हैं लेकिन आपने किस प्रकार करवाई आपने सामने वाले को जिससे आप करवाना चाहते हैं आपने उसी को इन्वॉल्व कर लिया उस कार्य में अब अगर हम अगले शक्ति रणनीति की बात करें तो वह है अदला बदली यानी कि एक्सचेंज बहुत बार हम अपनी बात कैसे मनवाते हैं कि तुम हमारे लिए यह कार्य करो हम तुमको ये देंगे या हम तुम्हारा यह कार्य कर देंगे बचपन में आप लोगों ने भी बहुत बार अपने दोस्तों के साथ अपने सहपाठियों के साथ ऐसा करा होगा कि तुम मेरा यह कार्य करो तो मैं तुम्हारा वो कार्य कर दूंगा तो यह क्या है एक्सचेंज संगठन में भी यह बहुत यूज़ होता है बहुत इस्तेमाल होता है जिसमें हम अदला बदली की बात करते हैं एक्सचेंज की बात करते हैं और जो कार्य हमें कराना होता है हम करवा लेते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं, अगर आपके सीनियर आपके अधिकारी आपसे ओवर टाइम करवाना चाहते हैं चाहते हैं कि आप संगठन को चार घंटा और एक्स्ट्रा दें और ज़्यादा दें तो शायद वो आपको ये कहें कि आप आज चार घंटा ज़्यादा दे दीजिए मैं कल आपको आधे दिन की छुट्टी दे दूँगा तो यह क्या हुआ एक्सचेंज शायद वो चार घंटे के लिए आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी जो अधिकारी आपको वहाँ पे कार्य करने के लिए बुला रहा था वहाँ पर उस कार्य के लिए आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस अधिकारी ने आपको इन्फ्लुएंस किया आपको प्रभावित किया लेकिन किस प्रकार आपको बदले में कुछ देकर कि आप मेरा ये कार्य करिए मैं आपका यह कार्य करूंगा तो यह होता है अदला बदली यानी कि एक्सचेंज अगली शक्ति रणनीति होती है पर्सनल अपील यानी कि व्यक्तिगत अपील पर्सनल अपील का मतलब अपने अनौपचारिक संबंधों के तहत हम सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ये ज़्यादातर हम उनके साथ करते हैं जो शायद हमारे दोस्त हैं या जिनके साथ हमारे संबंध थोड़े अच्छे होते हैं और हम उनको प्रभावित करते हैं कि देखिए हमारे संबंध अच्छे हैं हम दोस्त हैं तो आप मेरा ये कार्य कर दीजिए तो यह होती है पर्सनल अपील बहुत सारे कार्य आप देखेंगे संगठन में आपके संबंधों के बेसिस पर ही संबंधों के आधार पर ही हो जाया करेंगे पर्सनल अपील के बेसिस पर ही आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे सिर्फ यही नहीं इसके अलावा एक होता है अनुग्रह यानी कि इनग्रेटिएशन अनुग्रह का मतलब होता है कि सामने वाले की बढ़ चढ़कर बड़ाई करना जिससे कि वह आपके द्वारा प्रभावित होकर आपके मन मुताबिक आपका कार्य कर दे सामने वाले की बहुत बड़ाई करना हम इस पर बात नहीं करेंगे कि वह इंसान वाकई में ऐसा है या नहीं लेकिन सामने वाले की खूब बड़ाई कर फ्लैटरी प्रेजेस उसके बारे में बोलकर उसको प्रभावित करना जिससे कि वह आपकी बात मान ले बचपन में आप लोगों ने भी यह बहुत किया होगा जब हम अपने छोटे भाई या बहन से कोई कार्य कराना चाहते हैं तो चाहे हम उनको हर समय भरा बुला खूब खराब खराब बोलते रहते हो लेकिन जब हमें वह कार्य करवाना है जब हमें अपने मुताबिक उन्हें प्रभावित करना है तो हम उनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलने लग जाते हैं कि तुम इतने अच्छे हो तुमने ये काम अच्छा किया तुमने वो काम अच्छा किया तुमसे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं और उसके बाद हम उन्हें प्रभावित करते हैं अपने मन मुताबिक कार्य करवाने के लिए तो यह होता है अनुग्रह यानी कि इनग्रेटुएशन अगले शक्ति रणनीति की अगर मैं बात करूं तो वह होती है गठबंधन की रणनीति यानी कि कोअलेशन टैक्टिक आप अपना कार्य या आप सामने वाले को जिसको आप प्रभावित करना चाह रहे चाहते हैं आप उसको खुद प्रभावित कर नहीं कर रहे लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप एक बिचौलिए यानी कि थर्ड पार्टी की मदद ले रहे हैं जो थर्ड पार्टी आपके भी कांटेक्ट में है और जिस इंसान से आपको वो कार्य कराना है जिसको आपको प्रभावित करना है वो थर्ड पार्टी उसके भी कांटेक्ट में है तो इसमें आप कार्य कैसे करा रहे हैं या आप सामने वाले को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं एक थर्ड पार्टी के थ्रू एक तीसरी पार्टी जो कि उस चीज में कहीं पर भी नहीं थी तो यह होता है कही न कहीं ना कहीं गठबंधन की रणनीति जहां पर हम प्रभावित कर पाते हैं सामने वाले को किसी तीसरे की मदद लेते हुए क्योंकि हमें पता है कि वह उस तीसरे की बात को नहीं टालेंगे इसके अलावा होता है दबाव दबाव मतलब प्रेशर आप सामने वाले के ऊपर दबाव बना रहे हैं प्रेशर बना रहे हैं भय क्रिएट कर रहे हैं उसके दिमाग में डर बैठा रहे हैं और उस डर के तहत आप अपनी मनमर्जी के मुताबिक उसको प्रभावित कर रहे हैं सबसे आखिरी में मैं जिस पर बात करना चाहूंगी वह शक्ति रणनीति का नाम है वैध रणनीति यानी कि लेजिटिमेट टैक्टिक यानी कि आप सामने वाले को प्रभावित कर पा रहे हैं या सामने वाला आपकी बात सुन रहा है आपसे प्रभावित हो रहा है आपके मन मुताबिक कार्य कर रहा है क्योंकि आप किसी पद पर हैं और वह है उस पद की गरिमा को मानते हुए आपकी बात को कर रहा है या आपकी बात को आगे लेकर जा रहा है या जिस प्रकार का कार्य आप उससे करवाना चाहते हैं वह कर रहा है तो यह सब अलग अलग तरीके के शक्ति रणनीतियां होती हैं कि किस प्रकार मैं सामने वाले को अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभावित कर पाऊं तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे संगठनात्मक राजनीति की यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से पहले हमें समझने की यह भी जरूरत है कि पॉलिटिक्स क्या होता है तो चलिए आगे थोड़ा चलते हैं और बात करते हैं संगठनात्मक पॉलिटिक्स यानी कि संगठनात्मक राजनीति की शब्द संगठनात्मक राजनीति जिसे कार्यस्थल की राजनीति यानी कि वर्क पॉलिटिक्स के रूप में भी जाना जाता है एक कंपनी के भीतर प्रत्येक कर्मचारी के एजेंडे को संदर्भित करता है और वांछित परिणाम यानी कि डिजायर्ड आउटकम प्राप्त करने के लिए शक्ति और संसाधनों को हासिल करने बढ़ाने और चलाने के लिए गतिविधियों में संलग्न होता है अधिकांश संगठनों में संगठनात्मक राजनीति मौजूद होती है अगर हम सरल शब्दों में कहें तो राजनीति सिर्फ ये होती है कि हम कुछ बेनिफिट्स या फायदे पाना चाहते हैं तो उन फायदों को पाने के लिए हम जिस प्रकार से गतिविधियां करते हैं या जिस प्रकार से बातों को तरोड़ मरोड़ के सामने पेश करते हैं वह होती है पॉलिटिक्स वह होती है राजनीति जब हम राजनीति की बात करते हैं तो दो प्रकार की राजनीतियां या दो प्रकार के संगठनात्मक राजनीति आपके सामने आएगी एक होती है वैध राजनीतिक व्यवहार यानी कि लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर और एक होता है अवैध राजनीतिक व्यवहार यानी कि इनलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर अब देखिए जैसा कि मैंने बोला कि संगठन में पॉलिटिक्स तो होगी ही क्योंकि संगठन में इतने सारे संसाधन होते हैं इतने सारे इंसान होते हैं हर इंसान चाहता है कि उसके पास सबसे ज्यादा संसाधन आए तो उन संसाधनों को पाने के लिए वह बातों को तोड़ता मरोड़ता है हेरा फेरी करता है और कहीं ना कहीं वह संसाधन क्यों पाना चाहता है वह संसाधन पाना चाहता है संगठन की भलाई के लिए जब तक वह संगठन की भलाई के दायरे में रहते हुए यह सारे कार्य करता है तो उसे हम वैध राजनीतिक व्यवहार कहते हैं यह एक तरीके से आप देखेंगे नॉर्मल डे दे टू डे पॉलिटिक्स होती है सामान्य दिन प्रतिदिन राजनीति आपका कोई सहकर्मी दस मिनट ज्यादा ब्रेक पर चला गया तो आपने अपने अधिकारी को इसके बारे में खबर दे दी आपका कोई सहकर्मी लेट आया या उसने कोई गलती कर दी कस्टमर या ग्राहक के सामने तो वह जाकर आपने बात अपने अधिकारी को बता दी तो इस तरीके की नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया को हम लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर कहते हैं यानी कि वैध राजनीतिक व्यवहार जो कि आपको हर संगठन में मिलेगा इसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर इंसान थोड़े बहुत फायदे पाना चाहता है अपने अधिकारी से या अपने अधिकारी की आंखों के सामने अच्छा बनना चाहता है अब ये अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि कौन चीज से सही है क्या गलत है इसकी समझ उन्हें होना जरूरी है अब बात करते हैं अवैध राजनीतिक व्यवहार की यानी कि इन पॉलिटिकल बिहेवियर इसमें ऐसे कार्य शामिल होते हैं जो एक औपचारिक भूमिका के हिस्से के रूप में आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अन्य प्रभावशाली और संभवतः स्वयं सेवा उद्देश्यों के लिए अपने पर्सनल गोल के लिए वह इंसान यह कार्य करता है और दूसरों को जान तक की हानि पहुंचाने के लिए लगता है या जब संगठन में कर्मचारी बिना किसी बात के हड़ताल पे चले जाते हैं या मारपीट करते हैं या घेराव करते हैं जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था फैलाना है तो यह होता है इनलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर यानी कि अवैध राजनीतिक व्यवहार और हमें एक प्रबंधक के तौर पर बड़ा ही सचेत रहना चाहिए और तुरंत इस प्रकार के व्यवहार को रोकना चाहिए नहीं तो आपके संगठन को बहुत हानि होगी चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि संगठनात्मक राजनीति के लिए कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया रहती है यानी कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है संगठनात्मक राजनीति से कर्मचारियों को खतरा हो सकता है जब बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि उनके आसपास राजनीति मेनिपुलेशन हेराफेरी की बातें हो रही हैं तो वह है उनको कार्य में असंतुष्ट करता है तो कार्य की संतुष्टि में कमी आती है जब कोई भी कर्मचारी बहुत ज्यादा राजनीति होते हुए देखता है अपने संगठन के परिसर में और साथ ही साथ जब वह असंतुष्ट होता है तो उसके अंदर तनाव की वृद्धि होती है तनाव बढ़ता है और उस तनाव से ग्रस्त होकर उसका जो प्रदर्शन होता है परफॉर्मेंस होती है वह बहुत कम हो जाता है तो अगर हम सोचें तो एक बेसिक स्तर पर तो राजनीति ठीक है लेकिन जैसे जैसे ये राजनीति बढ़ती जाती है किसी भी संगठन में तो संगठन के विकास के लिए यह बहुत ही नुकसानदायक होती है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि ऐसे कौन से कारक होते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान किसी संगठन में रहते हुए राजनीतिक व्यवहार यानी कि पॉलिटिकल बिहेवियर दर्शाता है या नहीं दर्शाता है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं तो जब हम कारकों की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के कारक या आप कह सकते हैं कि इन कारकों को दो तरीके के कारकों में विभाजित किया गया है पहला तो व्यक्तिगत कारक कि कोई भी इंसान अगर राजनीतिक व्यवहार पॉलिटिकल बिहेवियर किसी संगठन में दिखाता है दर्शाता है तो यह उसका खुद का व्यक्तिगत उसके खुद की पर्सनालिटी, खुद के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से है लेकिन कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि इंसान के व्यक्तित्व में राजनीतिक व्यवहार नहीं है लेकिन वो ऐसी परिस्थितियों में है या उसके संगठन में इस प्रकार का माहौल बना दिया गया है जिसकी वजह से उसको भी राजनीतिक व्यवहार दिखाना पड़ता है नहीं तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्तिगत कारक होते हैं और ऐसे कौन से संगठनात्मक कारक होते हैं जो आपको जो कि किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं कि वह पॉलिटिकल बिहेवियर यानी कि संगठनात्मक राजनीति दिखाएगा या नहीं दिखाएगा तो इसमें सबसे पहला होता है नियंत्रण का आंतरिक लोकस यानी कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल दो तरीके के लोग देखे गए हैं जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो एक तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोगों का मानना होता है कि हमारी जिंदगी का नियंत्रण बाहरी कारकों में है भाग्य में है या किसी और चीज में बाहरी हैं वो लेकिन जो लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग होते हैं यानी कि जो मानते हैं कि उनकी जिंदगी का नियंत्रण उन्हीं के हाथों में है वे हर कार्य में खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी कार्य को करने की तो देखा गया है क्योंकि वह खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वह है लोग थोड़े बहुत पॉलिटिकल बिहेवियर में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना कार्य खुद करना है ऊंचाई पर पहुंचना है और वह मानते हैं कि वह है अपने ही दम पर कर पाएंगे तो इस वजह से उस कार्य को पूर्ण रूप से करने के लिए पाया जाता है कि वह थोड़ा सा ज्यादा राजनीतिक व्यवहार औरों के तुलना में दर्शाते हैं इसके अलावा उच्च मैक पर्सनालिटी यानी कि हाई मैक पर्सनालिटी हमने व्यक्तित्व वाले व्याख्यान में पढ़ा था कि मैकिया वेलनिज्म एक ऐसा व्यक्तित्व लक्षण है जिसमें लोग अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए कोई सा भी रास्ता अपनाने को तैयार हैं ऐसे लोगों को बोला जाता है कि उनमें मैक्योवेलिनिज्म का मैकिनिजम लक्षण का स्तर बहुत ऊंचा होता है यानी कि हम उन्हें हाई मैक पर्सनालिटी भी बोलते हैं तो पाया गया है कि जो लोग हाई मैक पर्सनालिटी के होते हैं वह लोग पॉलिटिकल बिहेवियर यानी कि राजनीतिक व्यवहार ज्यादा दर्शाते हैं उनकी तुलना में जो लोग लो मैक पर्सनालिटी के होते हैं इसके अलावा अगला कारक होता है संगठनात्मक निवेश यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि अगर मैं किसी संगठन के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूं तो मेरा वहां एक रुतबा होगा एक नाम होगा मैंने अपनी एक पहचान बनाई होगी इतने सालों में तो माना जाता है कि जो लोग किसी संगठन को ज्यादा समय दे देते हैं या ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं अपना समय या बहुत ज्यादा सालों से कार्य करते हैं तो वह इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते और वो क्यों नहीं करते इसलिए क्योंकि उन्हें अपने रुतबे अपने नाम से लगाव होता है उन्हें लगता है कि अगर वो गलत चीजों में पाए गए तो उनकी पूरी जमा पूंजी जो कि उनके नाम के रूप में इतने सालों से उस संगठन में है वह बर्बाद हो जाएगी इसके अलावा एक और फैक्टर होता है व्यक्तिगत फैक्टर या व्यक्तिगत कारक यानी कि नौकरी के विकल्प अगर आपको लगता है कि आज आपके पास ये नौकरी है अगर ये चली गई तो आपके पास दूसरी मिल जाएगी दूसरी भी चली गई तो तीसरी मिल जाएगी इस प्रकार के लोगों की संभावना ज्यादा होती है राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शित करने में क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है कोई आत्मग्लानी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है यहां से छोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे फिर कहीं और से छोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे तो वह हेरा फेरी करने में अपने डिजायर्ड आउटकम्स के लिए कार्य करने में लगे रहते हैं साथ ही साथ जब आपको कोई राजनीतिक व्यवहार दिखाते वक्त आपको पता होता है कि आपकी सफलता बहुत मिलेगी आपको इससे तो जब आपको यह पता होता है कि सफलता बहुत मिलेगी तो आप सोचते हो या आप की संभावना बढ़ जाती है राजनीतिक व्यवहार दिखाने की तरफ तो यह तो थे व्यक्तिगत कारक अब मैं कुछ कारकों की बात करूंगी जो कि आप की वजह से नहीं है किसी इंसान की वजह से नहीं है वह इस वजह से है क्योंकि आपके संगठन ने उस तरीके की परिस्थितियां आपके सामने खड़ी कर दी हैं तो सबसे पहला इसमें मैं बात करूंगी संसाधनों का पुनर्व संसाधनों का एलोकेशन रिसोर्स एलोकेशन जब भी संसाधन किसी संगठन में बांटे जाते हैं हर डिपार्टमेंट हर विभाग चाहता है कि हमारे पास सबसे ज्यादा संसाधन आए और इसी होड़ में लग जाता है कि किस तरह वह सबसे ज्यादा संसाधन पा सके और इस संसाधनों के पाने के चक्कर में वह अपनी संभावना बढ़ा देता है राजनीतिक व्यवहार दिखाने की तरफ यह किसी व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ क्योंकि शायद उस संगठन में जब हम संसाधन वितरण करते हैं तो एक क्लैरिटी नहीं है जिसकी वजह से आपके कर्मचारी राजनीतिक व्यवहार दर्शाते हैं इसके साथ ही साथ एक और होता है पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के अवसर अगर आपके संगठन में समानता नहीं है क्लैरिटी नहीं है प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज को लेकर पदोन्नति के अवसरों को लेकर तो इस प्रकार के संस्था में आप देखिएगा कर्मचारियों की राजनीतिक व्यवहार दिखाने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है उन्हें ये पता होता है कि कोई क्लैरिटी तो है नहीं तो थोड़ा बहुत हेरा फेरी से वह चाहते हैं अपने मन मुताबिक अपना कार्य करवाना अपनी तरफ अच्छी चीजों को या अपने मन मुताबिक चीजों को लेना इसके अलावा जब आपस में संगठन में लोगों में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में अधिकारी और कर्मचारियों के बीच ट्रस्ट कम होता है भरोसा कम होता है तो भी लोग राजनीतिक व्यवहार दिखाने की तरफ ज्यादा संभावित होते हैं और तो और जब आपको रोल क्लैरिटी नहीं होती अपनी भूमिका की आपका जो कार्य है उसकी अस्पष्टता होती है आपके संगठन ने यह क्लियर ही नहीं किया कि अगर एक इंसान इस पद पर है तो उसे यह दस कार्य करने हैं अगर वो उस पद पर है तो उसे यह बारह कार्य करने हैं अगर यह क्लैरिटी नहीं है यह स्पष्टता नहीं है तो लोग इसका फायदा उठाते हैं क्योंकि स्पष्टता ही नहीं है तो वह एक दूसरे के ऊपर कामों को डालते हैं और इसी व्यवहार को राजनीतिक व्यवहार भी कह दिया जाता है क्योंकि वो वह अपना कार्य या अपने को कार्य से बचाने के लिए वह दूसरों पर चीजें डालते हैं या कुछ हेरा फेरी करते हैं इसके अलावा अस्पष्ट प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली यानी कि अनक्लियर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम जब आपको पता है कि आपके संगठन में कोई समानता नहीं है कोई स्पष्टता नहीं है मूल्यांकन को लेकर प्रदर्शन के मूल्यांकन को लेकर तो अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो आप की संभावना ज्यादा हो जाती है कि आप राजनीतिक व्यवहार दिखाइए अब फिर से मैं इस बात पर जोर डालूंगी कि यह राजनीतिक व्यवहार आप अपनी पर्सनालिटी या अपने व्यक्तित्व की वजह से नहीं दिखा रहे आप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके संगठन में प्रदर्शन मूल्यांकन की कोई स्पष्ट प्रणाली है ही नहीं तो आप उस चीज का फायदा उठा रहे हैं साथ ही साथ बहुत सारे संगठन होते हैं जो जीरो सम रिवॉर्ड प्रैक्टिस की बात करते हैं जीरो सम रिवॉर्ड प्रैक्टिस का मतलब या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे उदाहरण के तौर पर अगर आपके संगठन में आपके कर्मचारियों को हर दिन दस सेल्स पॉलिसी बेचनी है तो अगर तो आपने दस सेल्स पॉलिसी बेची तब तो आपको इनाम मिलेगा लेकिन अगर दस तक आप नहीं पहुंच पाए तो आपको सजा मिलेगी अब सोच के देखिए अगर कोई इंसान आठ सेल्स पॉलिसी भी बेच पा रहा है या नौ सेल्स पॉलिसी भी बेच पा रहा है तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए क्या उसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए लेकिन बहुत से संगठन होते हैं वह जीरो सम रिवॉर्ड प्रैक्टिस की बात करते हैं कि अगर तो आप टारगेट करेंगे तो आपको फायदा होगा अगर नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अब इस तरीके के वातावरण में कभी कभी ऐसा पाया गया है कि इंसान अपने कार्यों को करने की बजाय वह इसमें लग जाता है कि दूसरा इंसान वह कार्य नहीं कर पाए तो ये जीरो सम रिवॉर्ड प्रैक्टिस जो होती है ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है कि कुछ इंसान राजनीतिक व्यवहार दिखाने लगते हैं अब यह जरूरी नहीं है कि हर कोई लेकिन यह संभावना हो जाती है साथ ही साथ जब उच्च प्रदर्शन का दबाव होता है यानी कि हाई वर्क प्रेशर ऐसे संगठनों में भी पाया गया है कि लोग या तो काम से बचने के लिए या उस प्रेशर को जब वह झेल नहीं पाते हैं तो वह अपने कार्यों को किस प्रकार बेहतर बनाए इसमें ध्यान ना देते हुए वह इसमें लग जाते हैं कि किस प्रकार दूसरे भी अपना कार्य अच्छे से ना कर पाए जिससे कि संगठन में एक समानता आ जाए और अधिकारी को लगे कि यह कार्य इतना ही हो सकता है तो यह भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है राजनीतिक व्यवहार दर्शाने का इसी के साथ साथ आखिरी में मैं बात करूंगी सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स यानी कि सेल्फ सर्विंग वरिष्ठ प्रबंधक जब आप अपने वरिष्ठ प्रबंधकों को देखते हैं कि वह राजनीतिक व्यवहार दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं तो आपको लगता है कि यही एक सही रास्ता है क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं तो अगर आगे बढ़ना है आपको तो शायद आपको भी राजनीतिक व्यवहार दिखाना पड़ेगा तो विद्यार्थियों इस व्याख्यान में हमने जिस पर बात करी वैधता की संगठनात्मक शक्ति की अवधारणा क्या है किस प्रकार की संगठनात्मक शक्तियां होती हैं किस प्रकार के शक्ति की रणनीतियां होती हैं यानी कि पार टैक्टिक्स और आप किस प्रकार उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अधीनस्थों के लिए या अपने आसपास के लोगों के साथ कि वह आपकी बात माने साथ ही साथ हमने बात करी कि संगठनात्मक राजनीति क्या होती है उसके क्या कारक होते हैं तो शायद एक प्रबंधक के तौर पर अब आपको समझ आ पा रहा होगा कि किस प्रकार या कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से लोग राजनीतिक व्यवहार दर्शाते हैं और जैसा कि मैंने इस पर भी बात करी कि जब बहुत ज्यादा ये राजनीतिक व्यवहार किसी संगठन का हिस्सा हो जाते हैं तो कर्मचारी वहां असंतुष्ट हो जाते हैं तो एक प्रबंधक के तौर पर अब आपको देखना है कि चीजें नियमित रहें। तो आशा करती हूं प्रिय विद्यार्थियों कि आपको आज का व्याख्यान समझ आया होगा धन्यवाद